एंड जेंटलमैन, अब शुरू होने जा रही है आज की परफॉर्मेंसेस और हमारी पहली परफॉर्मर है डिफेंस कॉलोनी की डांसिंग क्वीन सला अटे। She like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go ooh, ooh, ooh. You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go ooh, ooh, ooh. Haan, ite kutu bholi kitni utni, par teri cheez hai, baate kare hai kadvi kadvi, phir bhi aziz hai, itar gulab wali botar sharab wali total tabahi wala. तेरी सांस क्या मस्त ठुमके लगा रही है यार। अबे वो मयंक की सांस नहीं, सोनू की सांस है। अबे यार ये एक घर और दो शादियां, बहुत कंफ्यूजन हो रही है भाई। तू दूसरे की फियांसे को अपनी मत समझ लेना। समझ ले क्या, वैसे सोनू हॉट तो बढ़िया है। इश्की जी कहाँ है? भाग गई क्या? मैम, इश्की को लेकर आते हैं। इश्की आ गई। ड्रेस तो सही आ गई, फिर ये परेशान क्यों लग रही है? मैंने उसे अपना कोर सेट दिया, उसे कपड़े बहुत टाइट हो गए थे। कोर सेट? बहुत परेशान हो गई थी बेचारी। Didn't you say they were painful? Yeah, I know it's very uncomfortable, but I know she'll manage. और वैसे भी हम लड़कियों को तो manage करने की आदत हो ही जाती है। Brides को ही देख लो, शादी के कितने दिनों पहले से ही dieting शुरू करनी पड़ती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, it's okay रे, तुमने सही किया। Come sit. Yeah. Go. Next performance is by our beautiful couple, Ishki and Mera. आखिर ड्रेस में समाई थी कैसे? क्या फर्क पड़ता है कैसे पहनी? बस पहन ली। यार मयंक का तो सोनू के साथ चक्कर नहीं था? मतलब उसने बूंदी के लड्डू के लिए एप्पल पुडिंग छोड़ दी। मतलब उसने बर्थडे पर बलून्स के चक्कर में केक छोड़ दिया। तेज फोड़ देना इसके। मनिए साहेब जी, जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। धीरे धीरे नैनों को, धीरे धीरे जिया को, धीरे
इतने बड़े डिजाइनर ने ऐसी घटिया ड्रेस कैसे बना दी? डिजाइनर ने की करता? डिजाइनर ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं। क्या कह रहे तुम? अरे सच ही तो कह रहा हूँ, इसके लिए और कवर अप नहीं कर सकता हूँ मैं। सोनू और इश्की दोनों के मेजरमेंट सेम डिजाइनर ने लिए थे, एंड इनफैक्ट रिया के मेजरमेंट भी उसी डिजाइनर ने लिए। फिर सिर्फ इश्की की ड्रेस टाइट क्यों? ड्रेस छोटी नहीं हुई है, इश्की ओवरसाइज हो गई। बिना सोचे समझे नॉनस्टॉप कुछ भी खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। थोड़ा सा भी अगर तुम अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हो ना, तो आज सब लोगों के सामने ना मुझे एम्बैरेस नहीं होना पड़ता।